एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव। आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्स में। अभी तक हम लोगों ने इस कोर्स में यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोगों की यूनिट 4 स्टार्ट हो रही है। यूनिट 4 क्या है? समाजशास्त्रीय चिंतक है, जहां पर हम लोग टोटल जो है 6 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या 6 थिंकर्स पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे पहले थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आज से शुरू हो रहे हैं, तो पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उनकी थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। तो आज की जो थ्योरी है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद की है। तो उससे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में समझ लेते हैं कि उनका जीवन किस रूप में रहा, और जब किसी का जीवन किसी के जो भी उसके कार्य होते हैं उससे उसके विचार भी पता चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1818 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। इनको जो है दो देशों से निकाला गया था, एक था जर्मनी और दूसरा था फ्रांस। और जब इन दोनों देशों से इनको निकाल दिया गया तो ये इंग्लैंड में जाकर बस गए, और यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी विचारों को दिया जो आज भी हमारे वर्तमान में रिलेवेंट है। उन सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें चर्चा भी करेंगे। तो प्रश्न ये आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इन्हें इन दो देशों से निकाला क्यों गया। तो यहीं पर जो है पूरा रहस्य छिपा हुआ है इनके सिद्धांतों का। बचपन से ही जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इन्होंने पूंजीवाद का स्वरूप देखा। तो ये पूंजीवाद के जन्म के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक थे, और ये पूंजीवाद का विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पूंजीवाद जो है वो शोषण को जन्म देता है। इस वजह से जो है ये पूंजीवाद का विरोध करते थे। जर्मनी और फ्रांस क्या थे? विकसित देश से, जिनका उद्देश्य था सिर्फ लाभ कमाना, यानी कि ये पूंजीवाद की तरफ अग्रसर थे। और जब कोई पूंजीवाद के ऊपर टिप्पणी करेगा तो वहां की सरकार क्या करेगी? ऐसे लोगों को देश से निकाल देगी। तो इस वजह से इनको जो है देश से निकाला गया था। जर्मनी से भी इसी तरीके से निकाला गया और फ्रांस से भी निकाला गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें जो है पूंजीवाद के विरोध में लिखी, और इस वजह से इनको दोनों देशों से निकाला गया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे विचार दिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, उत्पादन की प्रणाली दी, और यह भी जाना कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वह क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है और इसका सिद्धांत इन्होंने किससे प्रेरित होकर लिया है। तो अगर हम सही मायने में माने तो कार्ल मार्क्स जो है वो फ्यूरो वर्ग से, एक समाजशास्त्री थे फ्यूरो वर्ग, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है उनकी यह थ्योरी ऐतिहासिक भौतिकवाद। और अगर डायरेक्टली माना जाए तो ये हीगल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कि हीगल जो है, हीगल का मानना था कि अगर संसार बना है तो उसके पीछे विचार है। उनका मानना था कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है विचार से हुई है, जबकि मार्क्स का मानना था कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो वस्तु से हुई है। विचार और वस्तु के बीच में जो है यह पूरा ऐतिहासिक भौतिकवाद छिपा हुआ है। पहले हम लोग जानेंगे कि यह भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद यानी कि जो चीजें हम देखते हैं और उन्हें फील कर सकते हैं, फिजिकल चीज जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या होगी? भौतिक। तो भौतिक वस्तु में क्या होंगी? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? भौतिक वस्तु। और ऐतिहासिक का मतलब है इतिहास। इतिहास में किस तरीके से भौतिक वस्तु में बदली, वही सिद्धांत है भौतिकवाद। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहां पर जो है, मार्क्स जो है सिर्फ वस्तु के ऊपर फोकस करते हैं कि वस्तु ही जो है एक नई वस्तु को जन्म देती है और उसके पीछे कारक होता है विचार। तो पहले हम लोग हीगल के सिद्धांत को समझ लेते हैं कि हीगल क्या कहते थे। हीगल का मानना था कि संसार जो है विचारों का विस्तार है, यानी कि विचार ही सब कुछ है और विचार से ही दुनिया का जन्म हुआ है।
तो यह थ्योरी कितनी रिलेवेंट है ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि विचार से संसार का जन्म तो नहीं हो सकता। संसार चल तो सकता है लेकिन संसार जो है उसका निर्माण नहीं हो सकता। उनका ये मानना था कि जब विचार बदलते हैं तब संसार भी बदलता है। ये था हीगल का कहना। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इसीलिए मैंने बनाया है कि हीगल जो मानते थे कि विचार से ही वस्तु बनती है और मार्क्स मानते थे कि वस्तु से जो है विचार आता है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में भी ले लेंगे। और ये जो कोटेशन है इसे आप लोग याद रखिएगा, वाद प्रतिवाद से संवाद बनता है। इसे अभी हम लोग समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये पहले जान ले कि मार्क्स कहना क्या चाहते थे कि मार्क्स ये जो वस्तु से विचार जो आता है वो किस रूप में आता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई वस्तु देखी, जैसे मान लेते हैं कि आप मार्केट गए और मार्केट में आपने जो है किसी कपड़े को देखा और ये देखा कि यह कपड़ा जो है अभी ये गर्मी के लिए सही नहीं है, ये काफी मोटा है। और अभी क्या चल रही है, सर्दी। नहीं, देखिए यहां पर क्या है कि आपने कपड़ा देखा मार्केट में जाने के बाद और देखा कि गर्मी चल रही है और यह बहुत मोटा कपड़ा है, तो गर्मी के लिए हमें क्या कैसे कपड़े की आवश्यकता होगी, पतले कपड़े की। तो हम क्या करेंगे, पतले कपड़े की तरफ ध्यान देंगे या फिर इनसे प्रभावित होकर जो है पतले कपड़े की डिमांड को बढ़ाएंगे या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पीछे किससे प्रभावित हुए, हमने वस्तु देखी और वो वस्तु क्या थी, मोटा कपड़ा, उससे ही प्रभावित हुए। तो ये क्या है, वस्तु। वस्तु से क्या आया, विचार आया मेरे दिमाग में और फिर विचार से क्या है, नई वस्तु बनी। ठीक है, तो ये है कार्ल मार्क्स का कहना कि जो वस्तु होती है उसी से जो है विचार उत्पन्न होते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब हीगल कहते हैं तो यहां वाद का मतलब विचार है, लेकिन जब मार्क्स कहते हैं तो वाद का मतलब वस्तु होता है। इसे हम लोग समझेंगे। वाद जो है यानी कि पहले हीगल के सिद्धांत को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई विचार आया तो उस विचार में कोई कमी होगी। प्रतिवाद का अर्थ समझ जाइए कमी। जब उस विचार में कोई कमी होगी तो एक नया विचार उत्पन्न हुआ यानी कि नई चीज सृजित होगी, नया सृजित विचार। ये इनका मानना था हीगल का कि जब कोई विचार होगा और उस विचार में कोई कमी होगी तो एक नया विचार होगा। जैसे हमारे मन में एक विचार आया कि एग्जाम देना उचित नहीं है, तो दिमाग में आएगा क्यों, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। जब प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, एग्जाम ना देना क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो ये कमी है। और फिर उससे क्या आया, रिजल्ट। तो यानी कि संवाद क्या होता है, एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो हीगल के अनुसार है। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है अगर उसमें कोई कमी होगी, प्रतिवाद का मतलब कमी, तो उससे नई वस्तु बनेगी। इसे हम लोग एक नए एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस सिद्धांत को बड़ी सावधानी से और समझने की कोशिश करिएगा कि इस विचार में जो है क्या छिपा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं कार्ल मार्क्स। देखिए पहले वस्तु हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होगा, हमें हवा जो है गर्म लगेगी, है ना, हवा गर्म लगेगी, तो उसके लिए क्या होगी, ठंडी हवा की आवश्यकता। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा गर्मी में,
क्या पहले कि लोग जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर होंगे, कि प्रकृति की हवा चलेगी तो उससे जो है ठंडक महसूस होगी। फिर लोगों ने सोचा कि कब तक हम प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाथ से कुछ पंखा बना लें। तो हाथ वाले जो है आप लोगों ने देखा होगा गांव में हाथ वाले पंखे चलते हैं। तो हाथ वाले पंखों से दिक्कत क्या थी कि ये काफी देर तक आदमी जो है इससे चला नहीं सकता था, यानी कि इसमें कमी थी, इसमें कमी थी। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फैन आए। इलेक्ट्रिक फैन में ये कमी क्या थी कि ये जो है गर्म हवा देते थे, हवा तो देते थे लेकिन ये गर्म हवा देते थे। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या आया, कूलर आया। कूलर में हवा तो आती थी लेकिन इसमें भी क्या क्या थी कि इसमें जो है वाष्प बहुत ज्यादा थी, यानी कि नमी जो है शरीर बहुत चिपचिपा जाता है। जितने भी लोग कूलर यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि जब कूलर चलता है तो हमारा शरीर जो है चिपचिपा जाता है, तो नमी होने की वजह से इससे लोग थोड़ा बचने लगे। तो इसलिए इनका एक सब्सिट्यूट ढूंढा, एसी। अब एसी ठंडी हवा तो दे रही थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत दे रही थी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रही थी तो अब क्या हुआ, इन्वर्टर वाले जो है एसी बनने लगी। यानी कि किसी भी चीज की कमी के बाद कोई नई वस्तु सृजित होती है। समझ में आ गई बात, जैसे हवा हाथ वाले पंखे में कमी थी तो कमी के बाद क्या आया, इलेक्ट्रिक फैन आया। अब यही इलेक्ट्रिक फैन यानी कि ये जो संवाद है ये कुछ समय बाद वाद बन जाएगा। फिर इस वाद में कोई कमी होगी तो जो नई सृजित हुई यानी कि कूलर, कूलर क्या हो जाएगा, संवाद। ये बात समझ में आ रही है आप लोग कि वाद संवाद और प्रतिवाद इन सभी से जो है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग जो है एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति नहीं है, जो सिर्फ वेजिटेरियन है, ठीक है। अब उसके दोस्त ने बोला कि भाई कब तक जो है वेजिटेरियन बने रहोगे, नॉनवेज भी खा के देखो, यानी कम से कम अंडा तो खा के देखो। तो इसके ये जो दोस्त है मान लेते हैं कि एक्स जो वेज खाता है, ठीक है, उसका दोस्त है वाई। उसने बोला कि कब तक वेज पे डिपेंड रहोगे, नॉनवेज खा के देखो, तो सबसे पहले अंडा खा के देखो। तो एक्स ने क्या किया, अंडा खाया, उसे मजा आया। लेकिन कहा यार अंडे में उतना मजा नहीं आया, चलो मुर्गा खा के देखते हैं, यानी कमी फील हुई। तो नॉनवेज का दूसरा रूप उसने खा के देखा, उसे मुर्गे में भी मजा नहीं आया, तब तो वो क्या करेगा, बकरा खा के देखा। अब उसे मजा आया तो वो हो सकता है कोई नई चीज भी ट्राई करे। जो नई चीज ट्राई करेगा वो संवाद हो जाएगा, और जिसमें कमी होगी, जैसे ये मान लेते हैं वाद है, वाद के बाद जिस कमी से कोई नई वस्तु बनी तो वो संवाद हो जाएगी। तो इस तरीके से संवाद जो है वाद का स्वरूप बदलता रहता है, यानी कि यह परिवर्तन की बात करता रहता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐतिहासिक भौतिकवाद का यह मानना है कि इतिहास उठा लीजिए, वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। पहले आप लोगों ने देखा कि विंडो एसी आती थी, फिर अब स्प्लिट एसी आने लगी। स्प्लिट एसी में भी जो है कौन सी एसी आने लगी, इन्वर्टर एसी आने लगी। तो यानी कि देख रहे हैं कि इस तरीके से समय के साथ जो है वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना था कि जो कार्ल मार्क्स है वो ये चाहते थे कि पूंजीवाद का जो उद्भव है वह क्यों हुआ, क्या घटना घटित हुई जिससे पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो इसे हम लोग जो है एक नए डायग्राम में समझेंगे। मैं आप लोगों के लिए चार्ट जो है बना देता हूं, उस चार्ट से जो है
आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग अगले डायग्राम में जो है यह जानेंगे कि जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था कि पूंजीवाद कैसे आया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो भौतिक चीजें हैं उसके द्वारा जो है समाज किस रूप में बदला। तो जब कार्ल मार्क्स ने यूरोप का इतिहास जानने की कोशिश की तो उन्हें जो है सिर्फ राजा रानियां या फिर पूंजीपतियों का ही उल्लेख उन्हें यूरोप के इतिहास में देखने को मिला। तो उन्होंने कहा इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा, राजा और रानियों के इतिहास जान के हम क्या करेंगे, हमें समाज के बारे में तो पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम जो है स्वस्पष्टीकरण यानी कि खुद से जो है समाज का डिफाइन करेंगे, समाज की डिफिनेशन निकालेंगे कि उस समय का समाज कैसे था, किस प्रकार से परिवर्तन हुए होंगे यूरोप में। तो उन्होंने कहा कि जब इंसान इस संसार में आया तो उसके पास जो है इस संसार में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ भोजन का प्रबंध करना होता होगा। तो वो जो भोजन का प्रबंध है वो तो शिकार के रूप में करते होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि अगर मनुष्य इस संसार में आया तो उसने अपने भोजन के लिए सर्वप्रथम शिकार के द्वारा जो है अपने भोजन की प्राप्ति की। फिर समय के साथ जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ समाज में परिवर्तन हुआ और फिर वर्ग में परिवर्तन हुआ और उसी प्रकार जो है उत्पादन के संग्रहण में भी परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से यूरोप के समाज में परिवर्तन आया जब उत्पादन के साधन बदले। तो उन्होंने कहा कि जब जब इंसान इस पृथ्वी पर आया तो वो शिकार के माध्यम से जो है भोजन को ग्रहण करने लगा। तो वो कब तक शिकार के ऊपर डिपेंड था, वो अब उसको ऐसा लगा कि भाई हर दिन तो शिकार मिल नहीं सकता है, तो ऐसा करते हैं कि जो शिकार मिल रहा है उसको आज के लिए, आज के बाद जो बचता है उसको कल के लिए संग्रहण करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भोजन था उसको ग्रहण करना, जो शिकार का जो खाद्य पदार्थ था, जो भी मांस था, उसको स्टोर करके रखने लगे। तो वो जो समाज था वो आदिम साम्यवादी समाज कहलाया, जहां पर लोग शिकार की हुई वस्तुओं यानी कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते थे वो आदिम समाज कहलाया। वहां पर शिकार किस रूप में करते थे, या तो पत्थर से या फिर डंडे से, और कोई हथियार तो था नहीं, तो सिर्फ पत्थर से फल तोड़ते थे और शिकार करते थे डंडे से। तो हर एक प्रकार से शिकार के दो ही माध्यम थे, पत्थर या डंडा। और समाज किस रूप में था, आदिम साम्यवादी समाज था। और वर्ग किस रूप में था, वर्ग विहीन, यानी कि उस समय कोई भी वर्ग नहीं था, समझ रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिकार कब तक आदमी करे, वो भी थक जाता था कि अरे भाई बासी हो गया अब उसको कैसे खाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो चीजें जैसे मान लेते हैं कि वो लोग बकरी का शिकार करते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ये बकरी तो दूध देती है, तो इस दूध का जो है कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाए। तो क्या हुआ, अब इन्होंने जो है इनको पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो समाज है अब उसमें पशुपालन की पद्धति अपनाई जाने लगी, यानी जिनका हम शिकार करते थे अब हमने उनको पालना स्टार्ट कर दिया। और जब वो पालना स्टार्ट कर दिया तो वो समाज जो है प्राचीन समाज कहलाया। और वहां पर प्रथा क्या थी कि स्वामी और दास की, किस रूप में, कि जिसके पास ये पशु थे वो स्वामी कहलाया और जो इन पशुओं की देखभाल करता था वो दास कहलाया। समझ रहे हैं कि किस रूप से स्वामी और दास में जो है वह परिवर्तन हुआ। तो स्वामी क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा भोजन खाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पास जो है उत्पादन के साधन को रखेगा। तो क्या होगा, इससे अतिरिक्त उत्पादन होगा, होगा कि नहीं होगा। जब स्वामी सब कुछ डिसाइड करने वाला है तो उत्पादन जो है अतिरिक्त रहेगा, क्योंकि दास को तो लिमिटेड भोजन मिलेगा, उसका जितना डेली का जो रोजाना आय होगी उस आधार पे उसे जो है उपभोग का सारी चीजें दी जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है ये प्रथा चलती आई पशुपालन की, पशुपालन के लिए कुछ लोगों का वर्चस्व रहा और जो लोगों का वर्चस्व रहा वो स्वामी कहलाए
और जो लोग लड़ नहीं पाए वो जो है वो दास बनकर रह गए। तो फिर एक समय आया, तो फिर एक समय के बाद ये बात उठने लगी कि यार कब तक पशुपालन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो किसी के दिमाग में ये आया होगा कि यार चलो ये बैल जो है, कि ये बैल जो है इसमें हल लगा के देखते हैं। तो जब हल का प्रयोग किया गया, क्योंकि लोहे की खोज तो हो ही गई थी, तो जब हल का प्रयोग किया गया तो मालूम चला कि मनुष्य से ज्यादा जो है ये बैल जो है बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से जो है कृषि व्यवस्था जो है अस्तित्व में आई, और लोगों के दिमाग में इस तरीके से चीजें उठी कि अरे ये बीज हमने जो है गुठली यहाँ पे डाली थी, आम की गुठली, और ये आम का पेड़ बन गया। यानी कि जो बीज है ये पेड़ का निर्माण करता है, पौधे का निर्माण बनता है। इस तरीके से लोगों की सोच बदली, तो लोगों ने जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो ये जो स्वामी वर्ग था अब क्या हो गया, सामंत बन गया। क्या बन गया? सामंत बन गया। और यही दास जो है कृषि श्रमिक हो गए। समय के साथ परिवर्तन हुआ, लेकिन जो स्वामी था वो सामंत बन जाता है और दास कृषि श्रमिक, यानी कि जो एग्रीकल्चर भूमि है वहां पर ये काम करने लगते हैं। और समाज प्राचीन समाज से सामंतवादी समाज होने लगा, क्योंकि सामंतों का जो है वर्चस्व था। और इस प्रकार से जो है परिवर्तन हुआ। फिर इस समाज में जो है सामंतवादी जो समाज था, समय के साथ जो है दो चीजें हुई, औद्योगिक क्रांति हुई और वैज्ञानिक क्रांति हुई। और इन दोनों से ही जो है उद्योगों का निर्माण होने लगा, मशीनें आने लगी, और समाज में क्या हुआ, ये पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। कि जब यहाँ पर जो है मशीनें प्रयोग की जाने लगी और हर एक प्रकार से लाभ के उद्देश्य से सब चीजें की जाने लगी, तो ये जो औद्योगिक पूंजीवादी समाज है उसमें सिर्फ एक ही वर्ग रह गया। क्या रह गया? पूंजीपति और श्रमिक। सिर्फ पूंजीवादी जो है इनका उद्देश्य था कि सिर्फ लाभ के उद्देश्य से ही उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए। और यही सामंत जो है ये पूंजीपति बन जाते हैं, और यही कृषि श्रमिक जो है ये श्रमिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे यूरोप के समाज में परिवर्तन आया, ऐसा कार्ल मार्क्स ने जो है बताने की कोशिश की अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा, कि भौतिक वस्तुओं की वजह से समाज में किस तरीके से परिवर्तन आया, यूरोप के समाज में परिवर्तन आया। ये यूरोप के इतिहास को कार्ल मार्क्स ने बताने की कोशिश की है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि उन्हें जो है हमेशा रिवीजन करने के लिए बहुत सुविधा हो। और इस प्रकार से परिवर्तन आया। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं कि यूरोप के इतिहास को जानने के लिए सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने क्या किया, यूरोप के इतिहास का अध्ययन किया। तो वहां से उन्हें राजा और रानियों के इतिहास का पता चला, तो उससे जो है वो एकदम क्लियर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से जो है चीजें डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से यूरोप के समाज में परिवर्तन आया। तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य जब संसार में आया तो उसके भोजन के लिए प्रॉब्लम्स हुई होगी, तो वो सबसे पहले शिकार करता होगा, और शिकार करता होगा तो किस रूप से करता होगा, पत्थर या डंडे से। और उस समय कोई भी समाज नहीं था, फिर क्या हुआ, कब तक आदमी शिकार करता है कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि शिकार को जो भी करते थे 2-4 दिनों के लिए स्टोर करने लगे। जब स्टोर करने लगे तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, कब तक स्टोर करके रखे। तो उन्होंने जो है पशुपालन की पद्धति को अपनाया, और पशुपालन की पद्धति में दो वर्ग उभर कर आए, स्वामी और दास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कृषि को अपनाया जाने लगा जिसमें सामंतवादी समाज का निर्माण होता है, और उसमें भी दो वर्ग थे, सामंत और कृषि श्रमिक। फिर उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति आती है, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट 1 में जाना भी था। तो उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद समाज का निर्माण होता है, और इसमें भी दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक, और इनका उद्देश्य होता है लाभ के लिए सिर्फ उत्पादन करना। तो यह है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के आधार पर, यानी कि भौतिक वस्तुओं के आधार पर बताने की कोशिश की है कि पूंजीवाद की उत्पत्ति क्यों हुई थी। अगले वीडियो में हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के अगले सिद्धांत को, उत्पादन की प्रणाली को जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।